तो आज जो है आप लोग को एक एक आमलेट बना के खिलाएंगे अपने हाथों से। आज का जो हमारा प्रयोग है, भारी भरकम व्यक्ति को अंडे पर क्या करेंगे, चढ़ा करके देखेंगे, है ना, और देखेंगे कि अंडा फूटता है या फिर समझेंगे कि इसके पीछे का साइंस क्या है। तो आइए एक व्यक्ति इधर आइए, पहले एक अंडा पे चढ़ा के देखते हैं कि अंडा फूटता है या नहीं फूटता। इस पे चढ़ा के देखेंगे कि अंडा फूटता है या फूट रहा है नहीं। क्यों नहीं फूटा? अब इसके पीछे का साइंस हम लोग जानेंगे कि आखिर यहाँ पे फॉर्मूला क्या लिखा हुआ, P इक्वल टू एफ बाय ए, ए मतलब क्षेत्रफल, F मतलब बल और P मतलब प्रेशर। तो यहाँ जो हम लोग देख रहे हैं वो P समानुपाती 1 बाय ए है, 1 बाय ए का मतलब होता है क्षेत्रफल। और जब कोई चीज नीचे में हो तो अगर इसका मान बढ़ेगा तो इसका मान घटेगा, और इसका मान घटेगा तो इसका मान। तो पहले जो हम लोग देखे कि एक अंडा था, कितना अंडा था, तो इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल है, इसके ऊपर का जो क्षेत्रफल क्या कम है, तो जब क्षेत्रफल कमेगा तो प्रेशर, यानी हमारे शरीर के कारण लगने वाला बल के कारण क्या होगा, प्रेशर। जब प्रेशर बढ़ेगा तो अंडा का क्या उड़ जाएगा, है ना, अंडा का फंडा हो जाएगा, मतलब फूट जाएगा। ठीक है, अब हुआ क्या, अब इसको यहां पर लेकर के, अब यहां देख लो इसका जो एरिया है, इसका एरिया क्या है, बहुत बढ़ गया। जब एरिया बढ़ गया तो एरिया जब बढ़ गया तो प्रेशर क्या हो जाएगा, घट जाएगा, यानी हमारे शरीर के बल के कारण जो इस पर प्रेशर लगा वो क्या हो गया, कम हो गया, कम हो गया। तो यहां जो बल लगा वो बल क्या हो गया, फैल गया इसके एरिया पे, एक जहां पे नहीं लगा, यानी प्रेशर यहां पर क्या हो गया, घट गया। जब प्रेशर घट गया तो इसी कारण से अंडा क्या हुआ, बच गया, अंडा फूटा नहीं, यही साइंस है। तो यही हुआ प्रेशर, है ना, P इक्वल टू एफ बाय ए।